अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगर आउटरीच किसे कहते हैं और इसका तरीकाकार क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आउटरीच किसी तक रसाई हासिल करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेंडर साइट्स के एडमिन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं और डील करते हैं। ब्लॉगर आउटरीच बेसिकली एक प्रमोशनल एक्टिविटी है, मतलब के मार्केटिंग का एक तरीका है जिसमें हम ब्लॉगर्स को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक निश वेबसाइट फॉर प्रमोटिंग न्यू कंटेंट, फॉर कंटेंट मार्केटिंग एंड फॉर अर्निंग न्यू बैकलिंक। तो आउटरीच स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहता हूँ कि आउटरीच की बेसिक टर्म्स, जैसे कि ट्रैफिक किसे कहते हैं, किसी भी वेबसाइट्स को जो यूजर्स विजिट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है DR, जिसे हम डोमेन रेटिंग कहते हैं। डोमेन रेटिंग बेसिकली एक मैट्रिक है जिसका स्केल 0 to 100 वेरी करता है और ये हमें किसी भी वेबसाइट की प्रोफाइल बैकलिंक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक है वो है DA, डोमेन अथॉरिटी। इसका भी स्केल 0 to 100 वेरी करता है। ये हमें प्रिडिक्ट करता है कि किसी भी सर्च इंजन पर वेबसाइट की रैंकिंग कितनी अच्छी होगी। नेक्स्ट, जब हम आउटरीच स्टार्ट करेंगे तो हम किन किन ब्लॉग्स को आउटरीच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है PBN ब्लॉग्स, जिन्हें हम प्राइवेट या पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क भी कहते हैं। अब जो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता है वो ब्लॉगर्स अपनी मनी साइट्स की अथॉरिटी को बूस्ट करने के लिए वहां से क्या करते हैं, बैक लिंक लेते हैं। जबकि पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क जो होता है, हम उसके उसमें तकरीबन आप कह लें कि किसी ब्लॉगर के पास 100 साइट्स हो सकती हैं, किसी के पास 200 हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इसके अलावा हर निश पे उनकी वेबसाइट होती है, हम उन ब्लॉगर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बूस्ट करने के लिए उनकी वेबसाइट के लिए हम डील कर सकते हैं। अब PBN जो ब्लॉग्स होते हैं इनकी बेसिकली ट्रैफिक मोस्टली क्या होती है, 0 होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ब्लॉग्स हैं ये वर्थलेस हैं। इन्होंने अच्छी अच्छी वेबसाइट से क्या किया होता है, लिंक लिए होता है, जैसे कि विकिपीडिया हो गया। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके और डील करके अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ब्लॉग है cardblog.com, इस पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, और इस पर आप देख सकते हैं कि बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तो आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप इनसे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेब 2.0 ब्लॉग। अब वेब 2.0 बेसिकली क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटिव सोशल वेब का भी नाम देते हैं। अब इसकी जो साइट्स हैं ये अपने यूजर्स को अलाउ करती हैं टू इंटरेक्ट विद वेब पेजेस। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि blogger.com हो गया, उसके अलावा wordpress.com हो गया। तो ये वेब 2.0 की कुछ एग्जांपल हैं। और कुछ वेबसाइट्स हैं वेब 2.0 की जिस पर आप लोग फ्री अकाउंट बनाकर भी क्या कर सकते हैं, पोस्ट सेल कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है leappositively.com। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, अक्सर यहाँ साइन अप का ऑप्शन भी होता है और ज्वाइन नाउ का ऑप्शन भी होता है। तो आप यहाँ जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट कर आप पोस्ट शेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप प्रैक्टिकली लर्न करने के लिए हमारी फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे इस पर अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप अपनी पोस्ट सेल कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और मेल मौजूद है, आप वहाँ कॉन्टेक्ट करके फिजिकल क्लासेस में अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रैफिक ब्लॉग। अब ट्रैफिक ब्लॉग जो होते हैं, कुछ लो ट्रैफिक ब्लॉग होते हैं, कुछ मीडियम ट्रैफिक ब्लॉग होते हैं और कुछ हाई ट्रैफिक ब्लॉग होते हैं। तो जो लो ट्रैफिक ब्लॉग होते हैं उनकी हम कह लें कि जैसे कि ट्रैफिक हंड्रेड्स में होती है, और जो मीडियम ट्रैफिक ब्लॉग हो गए उनकी थाउजेंड्स में ट्रैफिक होती है, और जो हाई ट्रैफिक ब्लॉग हैं उनकी आप ट्रैफिक लाखों में कह लेंगे, लाखों में होती है। और कुछ होते हैं प्रीमियम ट्रैफिक ब्लॉग। अब प्रीमियम ट्रैफिक ब्लॉग के होते हैं जिनकी वेबसाइट की ट्रैफिक वो मिलियंस में होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगी, एक वेबसाइट है forbiz.com, तो ये एक प्रीमियम ब्लॉग है, इसकी मिलियंस में ट्रैफिक है। उसके अलावा आपको मैं हाई ट्रैफिक वेबसाइट के भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक वेबसाइट है smashnactivity.com। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये एक पेड ब्लॉग है, अगर आप इनके एडमिन से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप इन्हें पे करेंगे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए।
अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं गूगल न्यूज साइट। अब गूगल न्यूज साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं? वो साइट्स जो गूगल न्यूज पे अप्रूव्ड हो, हम उन्हें गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइट्स कहते हैं। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल न्यूज ओपन करना है। गूगल न्यूज ओपन करने के बाद आपने यहाँ जाकर उस वेबसाइट का नाम लिखना है। जैसे कि एक वेबसाइट है newsbug.com। अब वेबसाइट का नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, डॉट के आगे डॉट कॉम क्या कर देना है, खत्म कर देना है। उसके बाद अगर नीचे इस तरह से देख सकते हैं आपके एक सोर्स का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर सोर्स का ऑप्शन शो आ जाए तो आप समझ लें कि ये गूगल न्यूज अप्रूव साइट है। इसके अलावा अगर टॉपिक आ जाए या कुछ और आ जाए तो वो गूगल न्यूज अप्रूव साइट नहीं होगी। तो अब हम आउटरीच स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक स्प्रेडशीट बनाएंगे। आप वो एक्सेल शीट पे भी बना सकते हैं और गूगल शीट पे भी बना सकते हैं। तो स्प्रेडशीट कुछ इस तरह से आपने बनानी है। फर्स्ट रो में आपने लिखना है साइट, देन ट्रैफिक, फिर DR, DA, PA, स्पैम स्कोर, IP एड्रेस, निश एंड कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम ब्लॉग हंटिंग कहाँ से करते हैं। ब्लॉग हंटिंग हम फेसबुक से भी कर सकते हैं और गूगल से भी कर सकते हैं। तो पहले हम गूगल से देखते हैं हम ब्लॉग हंटिंग कैसे कर सकते हैं। आप गूगल में जाएंगे, गूगल पे जाके आप लिखेंगे जिस भी स्पेसिफिक निश के आपने वेबसाइट आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है राइट फॉर अस प्लस फैशन। आप यहाँ जाकर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे बहुत सी आपको फैशन की वेबसाइट यहाँ आपको नजर आएंगे। तो आपने क्या करना है, एक वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से URL कॉपी करना है। URL आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपनी स्प्रेड शीट में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है कि हम फेसबुक से ब्लॉग हंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फेसबुक का एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने उसमें गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप ज्वाइन किए हैं। जैसे मैंने यहाँ एक जैसे कि ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है कॉन्ट कंकर्ट गेस्ट पोस्ट एंड आउटरीच। तो आप किसी भी ग्रुप में जब ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ बहुत सी वेबसाइट्स मिलेंगे। तो आप इन वेबसाइट्स को भी यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं यहाँ अपनी साइट शेयर की हुई है, आप इन्हें यहाँ से भी कॉपी करके अपनी स्प्रेडशीट में क्या करेंगे, यहाँ आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसके एडमिन से क्या करेंगे, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेंगे। एक तो ये तरीका है। नेक्स्ट आप एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं। वो ये है कि आप एक प्रपोजल बनाएं फेसबुक का अपना। जैसे कि मैंने यहाँ एक प्रपोजल बनाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रपोजल को यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप दोबारा फेसबुक के ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप में जाके यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि राइट का ऑप्शन है। आपने यहाँ जाकर अपना वो क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेश करने के बाद आप इसे पोस्ट कर देंगे तो बहुत से आपके पास रिसेलर रहेंगे जो अपनी वेबसाइट्स आपको शेयर करेंगे। उसके अलावा एडमिन भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है वेबसाइट्स की आप मेट्रिक्स चेक करना, जैसे कि ट्रैफिक, DR। अब इसके लिए मैं आपको फ्री टूल्स कुछ बता देता हूँ। किसी भी वेबसाइट की अगर आप ट्रैफिक चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फ्री टूल है hrefs.com ट्रैफिक चेकर। तो आप क्या करेंगे, स्प्रेडशीट पे अपनी वेबसाइट को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ इसमें पेस्ट करें। पेस्ट करके चेक ट्रैफिक पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये रिजल्ट शो हो रहा है 15.7 के इस वेबसाइट पर ट्रैफिक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है। जैसे कि आप यहाँ देखें कि 94% ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही है, 2% इंडिया से, 1% यूनाइटेड स्टेट्स से, 1% यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से और 1% यूनाइटेड किंगडम से ट्रैफिक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो इसकी ट्रैफिक है 15.7 के, आप यहाँ अपनी शीट में मैंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है DR। अब किसी भी वेबसाइट का DR हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको एक फ्री टूल बता देता हूँ, hrefs.com वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, अपनी वेबसाइट का URL हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसमें पेस्ट करेंगे और चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट शो होगा। जैसे कि इसकी डोमेन रेटिंग शो हो रही है 36। तो इसकी डोमेन रेटिंग हम क्या करेंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे 36। नेक्स्ट है हमारे पास जो DA, PA, स्पैम स्कोर और IP एड्रेस चेक करने के लिए। इसके लिए एक और फ्री टूल मैं आपको बता देता हूँ, वो है robingupta.com बल्क डोमेन अथॉरिटी चेकर। एक ये टूल आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और टूल है kontkonkurrent.com डोमेन अथॉरिटी चेकर। robingupta.com पे आप एक टाइम में मैक्सिमम 10 URL चेक कर सकते हैं, जबकि kontkonkurrent.com पे आप डोमेन अथॉरिटी चेकर पे आप एक टाइम में 100 URL चेक कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी काफी बच जाएगा। तो इसमें भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ।
तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से वेबसाइट कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। गेट रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ DA53 45 PA 3 स्पैम स्कोर और यहाँ IP address हो रहा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ कॉपी करेंगे। कॉपी करके आप इसे अपनी स्प्रेडशीट में क्या करें, पेस्ट कर दें। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको मैं दूसरा जो हमारा टूल है उसे भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, जो bondconcur.com डोमेन अथॉरिटी चेकर है। तो आप इस पे वेबसाइट का नाम कॉपी करें, कॉपी करके पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ चेक के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 53 45। अगर आप रोबिन गुप्ता का रिजल्ट चेक करें तो उसका भी यही रिजल्ट आ रहा है 53 45, और इसका भी आप रिजल्ट चेक करें तो क्या आ रहा है 53 45। तो इस पे आप एक टाइम में 100 URL चेक कर सकते हैं, तो आपका टाइम भी बच जाएगा इससे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है निश। तो किसी भी वेबसाइट की निश हम कैसे देखते हैं कि ये एक वेबसाइट है, जैसे wowfashionlife.com, तो इसके तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये फैशन की वेबसाइट है। इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट होती हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, फैशन हो गया, लाइफस्टाइल, हेल्थ, जो जिसमें एक से ज़्यादा कैटेगरीज हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें जनरल की निश बनाते हैं। और उसके अलावा कोई जैसे कि एक स्पेसिफिक निश है फैशन की, तो हम इसमें जस्ट स्पेसिफिक निश ही लिखेंगे, फैशन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि किसी भी अब ब्लॉगर का हम कॉन्टेक्ट कैसे ढूंढें। तो कॉन्टैक्ट ढूंढने के लिए कभी कभी तो वेबसाइट के हेडर में कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, या कभी कभी वेबसाइट के फुटर में भी कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ वेबसाइट के फुटर में हमें कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिला है। हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ कोई भी मतलब कि मेल वगैरह नज़र नहीं आ रही, और ना ही कोई कॉन्टैक्ट पेज नज़र आ रहा है। तो कभी कभी ये जो राइट फॉर अस है, राइट फॉर अस में भी हमें क्या होता है, ब्लॉगर की मेल मिल जाती है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करते ही आप देख सकते हैं हमें यहाँ ब्लॉगर की मेल मिल गई है, wowfashionlife78@gmail.com। तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके अपनी शीट में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हम कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे किसी भी ब्लॉगर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक जीमेल अकाउंट बनाना है। जीमेल अकाउंट बनाने के बाद एक अच्छा सा प्रपोजल रेडी करेंगे, जो कुछ अट्रैक्टिव सा हो और ब्लॉगर को क्या करें, अट्रैक्ट करें। हम यहाँ कंपोज के ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ हम उस मेल का सब्जेक्ट हम लिखेंगे, जैसे कि स्पॉन्सर कंटेंट कंट्रीब्यूशन इंक्वायरी। यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके आपने यहाँ सब्जेक्ट में पेस्ट कर देना है। रेसिपिएंट में हम क्या करेंगे, उस ब्लॉगर की जो मेल होगी वो मेंशन करेंगे। मेल मेंशन करने के बाद हमने जो ईमेल की बॉडी है उसे कॉपी करेंगे। बॉडी कॉपी करके हम यहाँ क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ सेंड करना है। सेंड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लॉगर का रिस्पांस आ जाएगा। जब ब्लॉगर का रिस्पांस आ जाए, तो हमने अपने अकॉर्डिंग टू बजट और उसके जो वेबसाइट के मेट्रिक्स हैं उसे हमने कीप इन माइंड रखना है, और इससे एक अच्छी सी हम क्या करेंगे, डील बना लेंगे। जब ब्लॉगर से हमारी डील फाइनलाइज हो जाएगी, तो उसके बाद लास्ट में हम एक स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे, जिसके हम नाम देंगे डील वेबसाइट्स के। उसमें सबसे पहले हमने डोमेन, नेक्स्ट जो हमने ट्रैफिक उस वेबसाइट के, DR DA निश और उसके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मेल वगैरह। नेक्स्ट अब हम जो ब्लॉगर की पोस्ट प्राइस है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद निश एडिट मतलब कि लिंक डिस्क्रिप्शन के कितने प्राइस वो कह रहा है वो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद CBT के वो कितने प्राइस कह रहा है वो हम मेंशन करेंगे। इन्फोग्राफिक पोस्ट प्राइस, उसके बाद साइड बार लिंक के वो कितने प्राइस कह रहा है वो मेंशन करेंगे। सिंगल पोस्ट साइड बार लिंक, फुटर बैक लिंक के प्राइस हम मेंशन करेंगे। बैनर एड्स के प्राइस हम मेंशन करेंगे। और उसके अलावा अगर किसी ब्लॉगर की रिक्वायरमेंट्स होगी, मतलब कि अगर वो दो फॉलो लिंक अलाउ करता है, 3 अलाउ करता है अपनी वेबसाइट पे, 1 अलाउ करता है, कितने वर्ड आर्टिकल के अलाउ करता है, वो हम स्पेशल रिक्वायरमेंट या नोट में लिख देंगे। उसके बाद हमारी गूगल न्यूज़ की अगर वो वेबसाइट अप्रूव्ड है, तो हम वो यहाँ मेंशन कर देंगे, यस और नो। अगर गूगल न्यूज़ अप्रूव हो तो यस लिख देंगे, अगर गूगल न्यूज़ अप्रूव नहीं है तो नो लिख देंगे। उसके बाद पोस्ट लिंक लिमिट लिखेंगे कि एक आर्टिकल में कितने लिंक अलाउ हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक लिमिट लिखेंगे, और अगर वो हमें खुद आर्टिकल क्रिएट करके देगा तो वो उसके कितने प्राइस हैं वो हम यहाँ मेंशन करेंगे।
डिटेल लर्निंग के लिए आप हमारी फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट और जीमेल मौजूद है, आप यहाँ कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ब्लॉगर आउटरीच के हवाले से। मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।